अगर आप विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो हो जाइए सावधान, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। इसी प्रकार का एक मामला भाईंदर नौकर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आया था, जहां पे भारत देश के कई राज्यों के लोगों को, लगभग 250 लोग हैं जिन्हें विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने उनके साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और लाखों की ठगी की गई है। मैं आपको बता दूँ, इस तरह की जो घटना है, जो विदेशों में नौकरी लगे जो बहाने से लोग जो ठगा जा रहा है, ये मीरा भाईंदर शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी इनका ऑफिस है। तो आप लोग इससे सावधान रहें। 4-5 दिन पहले की बात है, जहां पे सभी शिकायतकर्ता नौकर परिषद में अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे और उसके 4-5 दिन बाद मीरा भाईंदर वसई विद्यालय के अंतर्गत ये जो मामला आया, नौघर की पुलिस टीम ने महज 4-5 दिन के अंदर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके साथ लाखों रुपया बरामद किया है, साथ साथ लगभग 150 जो पासपोर्ट थे उनके वो भी बरामद किया है। चलिए देखते हैं, उसी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ सर ने। पुलिस स्टेशन में 27 अप्रैल को एक कंप्लेंट आई थी, उसके आधार पर 258/24, 420, 471, 468 वगैरह के तहत ऑफेंस रजिस्टर है। इसमें इसमें जो आरोपित है, इन्होंने फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट दी थी जॉब प्लेसमेंट के लिए, खास करके अफ्रीका, ईरान और इराक, और उसके तहत उन्होंने अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से कुछ लोग आए थे, उन लोगों को ऑफर लेटर दिया था और जो फ्लाइट बुकिंग थी, बुकिंग और वो सब कुछ डॉक्यूमेंट भी दिए गए थे। लेकिन 27 तारीख को जब जाने के टाइम आया तो जब वो उनके ऑफिस पे आए तो ऑफिस बंद दिखा। इसके ऊपर उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके FIR दी। पुलिस ने तुरंत हरकत में आके 3 आरोपी जो है तुरंत अरेस्ट कर लिए हैं। उनके उन्होंने अब तक 10,20,000 का चीटिंग किया था, उसमें से 6 लाख रुपए रिकवर किए गए। 149 पासपोर्ट जो है वो भी जब्त कर लिए गए हैं, उसमें से 90 पासपोर्ट जो कंप्लेनेंट और साक्षीदार थे उनको वापस दिए गए हैं। इनमें से कुछ आरोपियों ने, इनके जो साथीदार है, मालाड पुलिस स्टेशन के एरिया में भी एक ऑफिस खोला था, वहाँ पे भी एक शुभम तिवारी करके आरोपी जो है अरेस्ट है, और इसमें और कुछ आरोपी है कि उसकी तहकीकात चल रही है।